नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं अपने दोस्त के लिए जा रहा हूँ एक नैनो कार लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो कि सेकंड हैंड में सेल हो रही है। क्या प्राइस है और कैसे गाड़ी को चेक करना है, इसी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सारा कुछ गाड़ी का आपको पार्ट ओपन कर करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या आपको देखना चाहिए नैनो लेने से पहले, ताकि आप एक बेहतरीन कार चूज कर सकें, आपको गाड़ी में कोई भी खराबी ना मिले। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में सेकेंड हैंड गाड़ी लेना तो एक तरह से देखा जाता है ट्रेंड बन चुका है, लेकिन लोग मार्केट में ऐसे ऐसे गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, एक्सीडेंटल हो गया, इंजन ख़राब हो गया ना, तो अगर आप ले लेते हो तो समझो कि आप फंस ही जाओगे। तो इस गाड़ी का दोस्तों मैं सबसे पहले शाम को एक बार गया था, मतलब कि अभी तक मैं दो बार जा चुका हूँ गाड़ी को चेक करने के लिए। तो एक बार तो मैं शाम को गया था, तो उस टाइम गाड़ी को बाहर से बिल्कुल चेक नहीं कर पाया था, बस अंदर से गाड़ी को चला करके देखा था। चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी, नो डाउट। वैसे मैं ज़्यादा स्पीड भगा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि नैनो की जो हेडलाइट्स थी ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी, जिसको जो तुरंत से तुरंत चेंज कराने की ज़रूरत थी। तो मैंने बता दिया था कि भाई गाड़ी लोगे जैसे ही हेडलाइट्स तो चेंज करानी पड़ेंगी। साथ में म्यूजिक सिस्टम गाड़ी के अंदर लगी हुई थी, जो कि आफ्टर मार्केट लगी हुई थी, और एसी इसका काफ़ी परफेक्ट काम कर रहा था, नो डाउट। और वैसे भी नैनो का एसी मैंने जिस जिस से सुना है ना, वो लोग तारीफ ही किए हैं, कोई ख़राब नहीं बताया। और अगर मैं आपको स्पीड भी इसका बढ़ा करके दिखाऊँ, भगा के दिखाऊँ, तो भी गाड़ी परफेक्ट नहीं चल रही थी। चलने के मामले में तो मुझे कोई परेशानी नहीं लगी, लेकिन इसका दोस्तों जब मैं गाड़ी चेक किया था ना, तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा दिखा ना जिससे मेरा थोड़ा मन हिल गया। मैं सोचा लूँ या ना लूँ दोस्त को, क्योंकि आपको पता है दूसरे को अगर आपको गाड़ी दिलवाना तो और ज़्यादा सोच के दिलवाना पड़ता है। सपोज़ मैं गाड़ी दिलवा दिया, फिर भाई बोले कि भाई ख़राब गाड़ी दिलवा दिए। तो मैं सुबह सुबह फिर गया था वापस से गाड़ी को चेक करने के लिए। और चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गाड़ी का जो फ्रंट बोनट है ना नैनो का, वैसे तो इंजन आगे नहीं आता, तो आपको फ्रंट बोनट ओपन करना है और आपको यहाँ पर चेचिस चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हेडलाइट्स आप देख लीजिएगा, हेडलाइट्स क्या कंडीशन है। इसका हेडलाइट्स ओल्ड खैर हो रखी थी, तो पीली थी। और यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पे इसका कहना है कि थोड़ा रस्टिंग टाइप सा एक तो दिख रहा था, और दूसरा क्या परेशानी था ना कि यहाँ पर वेल्डिंग किया गया था, मतलब यहाँ पर वेल्डिंग करके कुछ पेंट वेंट टाइप सा कुछ लगाया गया था, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना कि एक तरह से ग्लू आता है रेड कलर का, जिससे क्या होता है ना कि अगर आपका जो बॉडी है डेंट वेंट लग गया या फिर एक्सीडेंट हो गया ना, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, जो कि इस गाड़ी के अंदर यूज़ की गई थी। क्योंकि मैं अभी तक मैं जितना नैनो या फिर मेडी नैनो, तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। और ये गाड़ी दोस्तों साफ साफ मैं समझ गया था कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, और जो बंदा है यानी कि जिसका गाड़ी वो हमें चिपकाने की कोशिश कर रहा है इस गाड़ी को, क्योंकि इसका दोस्तों नीचे में जो था ना लोहा, वो भी क्रैक, मतलब कि बैंड हो चुका था। क्रैक तो ऊपर में था, लेकिन नीचे में जो था ना इसका रॉड, वो बैंड हो चुका था। और इतना ही नहीं, इसका अभी आपको मैं रेडिएटर दिखाता हूँ, रेडिएटर का क्या हाल हुआ पड़ा है। ये तो बॉडी है, मतलब साफ साफ देख के लग रहा था ना कि काफ़ी ज़बरदस्त भीषण एक्सीडेंट आगे से हुआ है गाड़ी। और देखिए नीचे में भी चिपकाया गया, मतलब ग्लू एक तो लगाया गया था रेड रेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे तो भद्दा लग रहा था देखने में भी। और यहाँ पे भी आपको चेक करना है दोस्तों कि यहाँ पे आपका क्या है, डेंट वेंट दिख रहा है या नहीं। इस गाड़ी का तो खैर यहाँ पे भी डेंट था, यहाँ पे भी मुड़ा हुआ था, तो आप अपना जो गाड़ी लेने जाएंगे या देखने जाएंगे उसको आप यहाँ से भी चेक कर लीजिएगा, जहाँ लॉक खुलता है वही ये जगह है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसका लॉक आप चेक कर लीजिएगा कि लॉक सही से काम कर रहा है नहीं, क्योंकि कितनी दफ़ा क्या होता है ना कि गाड़ी का जो लॉक होता है ना बोनट ओपन करने का, लॉक करने का, वो ख़राब हो जाता है, तो आपको चेंज कराना पड़ जाएगा। और ऊपर में भी आप देख लीजिएगा कि हाँ जी ऊपर में ठीक है, यानी रस्टिंग वस्टिंग खास करके देखिए, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी में क्या होता है ना कितनी बार रस्टिंग वाला अगर आप गाड़ी ले लोगे ना, तो उसका कोई समाधान नहीं है दोस्तों, मतलब उसको फिर बनवाना मतलब इम्पॉसिबल टाइप सा हो जाता है, और बनवाओगे तो बहुत ज़्यादा आपका खर्चा लगने वाला है। साथ में यहाँ पर आप चेक करना है, यहाँ पर भी जो भी आप गाड़ी लेने जाओगे वहाँ पर अगर आपको डेंट वेंट दिखता है, क्रैक, अगर क्रैक हो तो समझिए एक्सीडेंटल है, छोटा मोटा डेंट है तो समझिए कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ हो गया होगा, स्क्रैच लग गया है, थोड़ा बहुत लग गई होगी, तो भाई ने अपना उसको जो अंदर से बाहर नहीं निकलवाया जाता वही करवाया गया होगा, तो नॉर्मल होता है। यहाँ पर दोस्तों जब मैं इसका रेडिएटर देखा था ना, तो मेरा सच्ची बताऊँ दिमाग हिल गया था, मन किया ना कि गाड़ी अभी कभी छोड़ के यहाँ से मैं निकल जाऊँ, लेकिन गाड़ी परफेक्टली देखना था क्योंकि वीडियो से मुझे बनाना था। तो यहाँ पे इसका रेडिएटर आप देखिए किस तरीके से गाड़ी का अंदर जा चुका है। जी हाँ, रेडिएटर दोस्तों जो गाड़ी का होता है ना बिल्कुल प्लेन होता है, नॉर्मल सीधा होता है, लेकिन इसका रेडिएटर है ना आगे से अंदर जा चुकी थी, जो कि आप सामने में देख सकते हैं। यहाँ पर रेडिएटर साफ साफ दिख रहा है कि मुड़ा हुआ है नीचे साइड से, और जो गाड़ी है ना नीचे से ही लगी है। अब नीचे पता नहीं कहाँ पर लगी है, पत्थर पर लगी है या फिर दीवार पर या फिर कोई गाड़ी में ठोकी गई है, क्योंकि अगर ट्रक व्रक में लगेगा तब तो ऊपर से डेंट आएगा, लेकिन इसमें नीचे से डेंट आई है, यानी कि ज़रूर कोई मतलब नीचा जगह पर ठोका गया, जिस कारण से इसका जो है ना रेडिएटर पूरा का पूरा दब चुका है। डेंटर ने गाड़ी का तो पूरा ऊपर का बोनट बम्पर जो सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन रेडिएटर को कैसे ठीक किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि रेडिएटर जो है ना वो इस तरीके से बेंड हो गया तो आपका ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि रेडिएटर जो बहुत पतला होता है और उसको क्लीन कराना पड़ता है। और ये गाड़ी लेने के बाद रेडिएटर क्लीन कराने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, क्योंकि पूरा रेडिएटर टेढ़ा हो गया, और बम्पर जो होता है वो भी आप देख सकते हैं आगे से बम्पर भी इसका क्रैकिंग हो चुका है, साथ में नंबर प्लेट जो है वो भी क्रैकिंग हुआ पड़ा है, मतलब कि भाई ने बम्पर पर कुछ अभी नहीं बदलवाया, जो बम्पर उनको दिया था वही है, और गाड़ी एक्सीडेंटल है आगे से तो साफ साफ पता चल ही रहा है, जो कि आप सामने में देख ही सकते
सकते हैं। इसका फॉगलम तॉगलम जो होता है कुछ आपको नहीं मिलेगा, फॉगलम तो है फिलहाल लेकिन वो अंदर घुस चुकी हुई क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका, तो ऑब्वियसली दोस्तों ये सब तो अंदर जाना नॉर्मल सी बात है। ए पी नंबर गाड़ी था अरुणाचल प्रदेश का, और यहाँ पर अंदर मैं दिखाऊँ तो अंदर में आप देख सकते हैं अंदर में कुछ इस टाइप से कंडीशन था। और आप जब भी गाड़ी लेने जाओगे तो अंदर में जरूर से ज़रूर चेक करेगा मैट्स हटा करके, क्योंकि रस्टिंग जो होती है ना मेन रस्टिंग गाड़ी के अंदर अंदर आती है। यहाँ पर अगर यहाँ पर रस्टिंग है तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फिर धीरे धीरे जो रस्टिंग है ना पूरा गाड़ी में फैल जाएगा और फिर इसका कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो होता है ना गाड़ी का चेचिस होता है। तो यहाँ पे तो मैंने अंदर इसका देखा था तो रस्टिंग था लेकिन बीच बीच से था और क्रैकिंग थोड़ा बहुत तो मुझे दिख रहा था इसके अंदर भी। तो मुझे तो ये अंदर से भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाहर से तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट है ही तो उसमें तो खैर आप कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अंदर से मैं देखा तो अंदर से वो मुझे थोड़ा गलत टाइप सा लगा। और जो बंदा मेरे साथ आया वो था यानी कि जिनको गाड़ी लेना था उनको भाई सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। वही होता ना कि अगर कोई नया बंदा अगर लेने जाए तो उसको परफेक्ट लगता है गाड़ी देख के। और म्यूज़िक सिस्टम जैसे कि मैं इसका चेक किया तो म्यूजिक सिस्टम में प्ले नहीं हो रही थी, चल नहीं रही थी, ये भी समझो कि वो डब्बा वहीं बना हुआ था चल वल नहीं रहा था। तो म्यूजिक सिस्टम भी इसका बदलवाना पड़ता जो कि आप देख ही सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम में हाथ में लेकर के चेक कर रहा था अच्छे से कहीं चल जाए, क्योंकि भाई ने बोला कि भाई चल रहा था कुछ दिन पहले, जस्ट इधर ही बंद हुआ था। मैं सोचा कि चलो भाई देख लेता हूँ, तो यहाँ पर देखा लेकिन दोस्तों ठीक नहीं हो पाया तो मैं छोड़ दिया। उसके बाद मैं उसका बूट जो था वो चेक करने लग गया, और बूट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी गाड़ी की, और बूट के नीचे इंजन होता है सो इंजन भी मुझे देखना था। और यहाँ पर मुझे रस्टिंग देखने को मिला जो कि डिसअपॉइंटिंग था भाई, दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था गाड़ी देखते देखते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रस्ट था गाड़ी के अंदर। ऐसा लग रहा था ना जैसे भाई ने बारिश में गाड़ी लगा रखा है और बहुत ज़्यादा दिनों से जो गाड़ी है ना खड़ी है, जिस टाइप से इसमें रस्टिंग आया हुआ है देख सकते हो, पूरा का पूरा लोहा समझो कि सड़ चुका है गाड़ी का। और ज़्यादा दिन टिकने वाली गाड़ी भी नहीं थी जैसा देख करके मुझे लग रहा था। और प्लस पॉइंट क्या था ना इसका कि मतलब ये बेस वेरिएंट थी, तो बेस वेरिएंट तो मुझे तो पर्सनली वैसे भी पसंद नहीं आती नैनो की, टॉप मॉडल हो तो अलग बात है लेकिन बेस मॉडल अच्छा उतना नहीं लगता। और बूट तो इसमें आपको भी पता होगा बूट इसका ओपन नहीं होता, और इसका टेनलेट्स जो था वो भी आप देख लीजिएगा टेनलेट्स कौन से कंडीशन में, टेनलेट्स पर कोई क्रैक है नहीं, वैसे इसका टेनलेट का कंडीशन काफ़ी अच्छा था, ऐसा लग रहा था जैसे रिसेंटली टेनलाइट को भी बदलवाया गया है। तो आप टेनलाइट भी जरूर चेक कर लीजिएगा कोई गाड़ी लेने जा रहे। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा तो नहीं है, मतलब अगर पीछे से एक्सीडेंट होगा ना तो गैपिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा परफेक्ट जो लाइनिंग होता है ना आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे बूट का। और यहाँ पे दोस्तों मैं स्टेपनी इसका ऊपर करके मतलब जैक जो होता है ना लगा करके इसका टायर वायर भी चेक कर रहा था अंदर साइड में लेट करके भी यहाँ तक चेक किया था, क्योंकि भाई दोस्त के लिए गाड़ी लेना तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे से गाड़ी को चेक करना बनता ही बनता है। टायर कंडीशन जैसे कि मैं देखा था तो टायर कंडीशन ठीक तो नहीं बोल सकते, नॉर्मल था। और यहाँ पर मैं इसका शॉकर चेक कर रहा था कि शॉकर का क्या कंडीशन है, तो शॉकर तो ठीक ठाक था दोस्तों, कोई शॉकर यहाँ पर लीकिंग नहीं थी तो शॉकर के लिए चलो ठीक है। मैकेनिकल में कुछ कुछ ठीक थी तो कुछ कुछ ख़राब भी थी। और टायर जैसे कि मैं इसका रोटेट कर रहा था तो टायर में थोड़ा सा मुझे आवाज़ आ रहा था कुछ फंसने का, तो आई डोंट नो कि वो क्या आवाज़ आ रहा था, क्योंकि मैं मैकेनिक तो हूँ नहीं कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि रियल इसमें क्या आवाज़ था, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ पर साउंड कर रही थी जो कि घिसने की थोड़ी बहुत साउंड आ रही थी। और मैं सामने दोस्तों वॉइस में इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वन वॉइस थी। और इसका ए सी वेंट जो ना वो भी टूटा पड़ा था दोस्तों, ए सी वेंट जो वो भी टूट गया था, तो इसको भी बदलवाने की ज़रूरत थी, गाड़ी लेने के साथ बदलवाना पड़ता। और वो एक नहीं चार को चार वैसे इवेंट का सेम टू सेम हाल हुआ पड़ा था। आई डोंट नो यार गाड़ी लोग कैसे रखते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे आपको गाड़ी को चेक करना है और फिर गाड़ी अच्छी लगे तो ही आप गाड़ी को लीजिएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में।